अगली खबर में बात करते हैं गया की, जहां मानपुर मल्ला टोली में श्री सिद्ध पीठ देवी स्थान मंदिर में 10 दिन चलने वाले नवरात्रि का दुर्गा माँ की प्रतिमा का विसर्जन मानपुर मल्ला टोली से निकलकर मानपुर बाजार होते हुए अंता सरिला फल्गु नदी के तट पर प्रतिमा विसर्जन किया गया। उक्त मौके पे समाज सेवी प्रमोद कुमार चौधरी ने कहा कि मूर्ति विसर्जन में भाग लेकर श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विसर्जन कार्यक्रम में जय माता दी मंदिर प्रबंधन कारिणी समिति के तत्वाधान में हजारों की संख्या में पुरुष महिलाएं सदस्यों ने भाग लेकर जुलूस को भव्य शोभा यात्रा बनाने में सहयोग किया, जो प्रशंसा के भागी हैं। मानपुर मल्ला टोली के सदस्यों का कहना है कि माँ दुर्गा प्रतिमा की पूजा पाठ हम लोग वैदिक काल से ही मानते आ रहे हैं। समिति में उपस्थित अंबिका केवट, संजय साहनी, सिकंदर केवट, विक्की साहनी, राजकुमार साहिनी, आकाश साहिनी, पवन बाबा, राकेश मिश्रा सहित हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित थे। माँ दुर्गा का विसर्जन होने जा रहा है, ये कहां से कहां जाएगी और ये विसर्जन कहां होगी? देखिए, आज मानपुर मल्ला टोली माँ दुर्गा जी की प्रतिमा का विसर्जन होने जा रहा है और इस मौके पे हमारे मोहल्ले के हजारों की संख्या में मातृशक्ति, युवा शक्ति, बड़े बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर माँ दुर्गा जी को बड़ा ही भावुक मन से, नम आँखों से विदाई देने का काम कर रहे हैं। चूँकि 9 दिनों तक माँ दुर्गा जी को हमने बड़ा ही श्रद्धा और आस्था के साथ उनका आराधना किया, उनका उपासना किया, उनका नमन किया, आज माँ दुर्गा जी को बड़ा ही भावुक मन से विदाई करने का काम पूरे मोहल्लेवासी कर रहे हैं। ये विसर्जन कहाँ, कौन सा घाट पर होगा? ये विसर्जन मानपुर मल्ला टोली से चलकर मानपुर बाजार होते हुए पुनः वापस आकर अंतःसलिला फल्गु नदी में हम लोग विसर्जन करने जा रहे हैं। कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? आज के मौके पे पूरे मोहल्ले से लगभग 2000 की संख्या में इस विसर्जन समारोह में शामिल हो रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रमोद चौधरी है और मैं वर्तमान में मेयर पद का प्रत्याशी हूँ और इसमें भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ।